सब्सक्राइब कीजिए नेगा न्यूज को और बेल आइकन को दबाकर दुनिया भर की ताजा खबरें पाइए सबसे पहले। युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव में कौन है वनडे का सबसे खतरनाक गेंदबाज, देखे आंकड़े। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मौजूदा एक दिवसीय श्रृंखला के पहले दो मैचों में युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव ने दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों को अपनी अंगुलियों पर जमकर नचाया है। दोनों ने मिलकर अब तक 13 दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखा चुके हैं, जहां युजवेंद्र चहल ने 7 और कुलदीप यादव ने 6 विकेट अपनी झोली में डाले। चलिए एक नजर डालते हैं युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव के एक दिवसीय करियर पर और जानते हैं दोनों फिर की गेंदबाजों में से सबसे खतरनाक गेंदबाज कौन है। युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव के एक दिवसीय आंकड़े। युजवेंद्र चहल ने अपने एक दिवसीय करियर में 19 मैच खेले हैं। इन 19 मैचों में चहल ने 21.88 के औसत से कुल 34 विकेट अपने नाम किए हैं। इस दौरान चहल का इकोनॉमी 4.55 और स्ट्राइक रेट 28.8 रहा है। अगर कुलदीप यादव के एक दिवसीय आंकड़ों की बात करें तो कुलदीप यादव ने 16 मैचों में 21.39 के औसत और 4.69 के इकोनॉमी से 28 विकेट हासिल किए हैं। इस दौरान कुलदीप यादव का स्ट्राइक रेट 27.3 का रहा है। युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव का विदेशी सरजमी पर प्रदर्शन। युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव दोनों गेंदबाजों ने विदेशों में 9 मैच खेले हैं। इन 9 मैचों में युजवेंद्र चहल ने 18.44 की औसत से 18 और कुलदीप यादव ने 16.64 की औसत 17 से विकेट चटकाए हैं। दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध मौजूदा 6 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला में अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए युजवेंद्र चहल ने 22 रन देकर 5 और कुलदीप यादव ने 20 रन 3 विकेट झटके थे। देश और विदेश में युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव का प्रदर्शन एक जैसा ही रहा है। हालांकि कुलदीप यादव के मुकाबले युजवेंद्र चहल के नाम ज्यादा विकेट दर्ज है, पर दोनों गेंदबाजों के औसत इकोनॉमी और स्ट्राइक रेट में न के बराबर फर्क है। इस स्थिति में आपके हिसाब से युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव में सबसे खतरनाक स्पिन गेंदबाज कौन है। आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर और लाइक कमेंट करें और ऐसे ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। धन्यवाद।